राजधानी जयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आपको बता दें कि आसमान में काले बादल छाए रहे और साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। शहर के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली, जिससे दुपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र ने जयपुर, झुंझुनू, दौसा, अलवर और सीकर के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें धूल भरी आंधी, हल्की वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से आज पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ में अचानक तेज हवाओं का सिस्टम बना हुआ है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और आसपास के जिलों में भी मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना बनी हुई है। इस सिस्टम का असर कल भी 18 अप्रैल को भी देखने को मिलेगा। इस दौरान दोपहर के बाद एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म और अचानक तेज हवाओं का दौर जो है वो बन सकता है। वहीं हवाओं की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखने को मिल सकती है। तापमान की यदि बात करें तो तापमान फिलहाल 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर स्टेशन पर रिपोर्ट हो रहा है। अगले दो दिनों में तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होने और राज्य में कहीं कहीं हीट वेव की परिस्थिति बने रहने की संभावना है।